बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के उपलक्ष्य में किशोरी स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजन। 13 विश्व महिला दिवस सप्ताह स्वास्थ्य विभाग RBS के टीम और पिरामल फाउंडेशन के सहयोग से बरौनी नगर परिषद अंतर्गत परियोजना लाला कुंवर कन्या उच्च विद्यालय सोकारा में प्रधानाचार्य अस्मिता चौधरी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य जांच और IFA का वितरण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर बताया गया कि यह दिन महिलाओं के सम्मान, समर्पण और साहस को सलाम करने का एक अवसर है। महिलाएं हमारे समाज का आधार होती है और उनके बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। अनुमंडलीय अस्पताल 13 के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रामकृष्ण ने बताया कि महिलाओं ने हमेशा से समाज के विकास और प्रगति में अहम भूमिका निभाई है। वे घरेलू कामों से लेकर पेशेवर क्षेत्र में अपने योगदान से उन्हें हमें प्रेरित करती हैं। महिलाओं के सम्मान और समर्पण का परिणाम है कि आज वे हर क्षेत्र में उच्च स्थान पहुँच गई हैं। वे नेतृत्व, शिक्षा, विज्ञान, कला और खेल में अपनी पहचान बना रही हैं। स्वास्थ्य प्रबंधक सुवीर कुमार पंकज द्वारा बताया गया कि हमें यह याद रखना चाहिए कि महिलाओं को समाज में उनका समान अधिकार और स्थान प्राप्त होना चाहिए। उन्हें हर समय सुरक्षित महसूस करना चाहिए और उन्हें उनके सपनों को पूरा करने का मौका मिलना चाहिए। पिरामल फाउंडेशन के प्रतिनिधि दीपक कुमार ने कहा कि हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम महिलाओं के साथ उनका समर्थन करेंगे, उनके अधिकारों की रक्षा करेंगे और एक समर्थ समाज की ओर से और साथ बढ़ेंगे। इस कार्यक्रम में डॉक्टर जफर, डॉक्टर राजेश कुमार से, आरती कुमारी, अरविंद कुमार, रिंकी कुमारी, शिक्षक सुमित्रा कुमारी, सुजीत कुमार, स्वीटी कुमारी, अनीता कुमारी, कृष्णा कुमारी, अवधेश कुमार, तौकीर हसन, आशीष कुमार एवं संबंधित आशा कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सेविका उपस्थित रहे। तेगरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। अगर हम लोग अभी तक समाज में दबे कुचले महिला रह थे, लेकिन अब जो है हमारे सारी जितनी भी महिला हैं उनको बराबरी का अधिकार मिला। अभी संसद में भी 35% जो है महिला को आरक्षण मिला है। तो हम लोग अपनी उड़ान को भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसी शब्दों के साथ महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सारी बच्चियों को, जितनी भी हमारी आशा कार्यकर्ता आई हैं उनको, डॉक्टर साहब को और भी जितने बताया जा रहा है कि समाज में उनकी बराबरी लगातार जो है सो दबी कुचली महिला रहती थी, लेकिन अब जो है उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अगर एक समाज, एक महिला अगर शिक्षित होती है तो एक पीढ़ी शिक्षित होता है और वह पीढ़ी जो है हमारे देश की धरोहर है और वो हमारे देश का नाम रोशन करेगा। और महिला जो है, अगर एक महिला अगर कुपोषित है, लाचार है, तो वो अगर इस बच्चे को जन्म देगी वो भी कुपोषित होगा। इसलिए हमें बच्ची, ये जो बच्चियाँ हैं जो धरोहर राष्ट्र